इनसाइडर, मैं हूं साक्षी मंगई। उत्तराखंड में जल्द विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। राजनीतिक दलों ने इसके लिए तैयारी तेज कर दी है। चुनाव में उतरने के लिए कई दावेदार भी कमर कसे हुए हैं। वही असल परीक्षा मौजूदा विधायकों की है। विधायक अपने कार्यकाल के दौरान क्षेत्र में कितने खरे उतरे हैं, इसके धरातल पर पड़ताल करने के लिए देवभूमि इनसाइडर की टीम हर विधानसभा क्षेत्र में पहुंच रही है। हम जनता के हवाले से प्रत्येक क्षेत्र के विधायक का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र की। इस सीट के विधायक भारतीय जनता पार्टी से बिशन सिंह चुफाल हैं। चुफाल भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। इतिहास डीडीहाट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले में स्थित आरक्षित सीट है। डीडीहाट विधानसभा सीट पर हमेशा भाजपा का दबदबा रहा है। बिशन सिंह चुफाल 25 वर्षों से इस क्षेत्र के विधायक चुने जाते रहे हैं। उत्तराखंड के एक अलग राज्य बनने से पहले भी चुफाल यहां से विधायक थे। 2002 के विधानसभा चुनाव में इनके प्रतिद्वंदी उत्तराखंड क्रांति दल से घनश्याम जोशी थे। 13,104 वोट बिशन सिंह चुफाल को, जबकि घनश्याम जोशी को 8,609 वोट मिले। 2007 के विधानसभा चुनाव में चुफाल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हेम पंत को 2,500 मतों से हराया। 2012 विधानसभा चुनाव में चुफाल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रेवती जोशी को बड़े अंतर से मात दी। 2017 के चुनाव में चुफाल की जीत का अंतर कम हुआ, लेकिन वह लगातार पांचवी बार चुनाव जीते। चुफाल दूसरी बार भाजपा सरकार में मंत्री बने हैं। मतदाता 2012 के आंकड़ों के अनुसार इस क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 75,458 है। विकास के दावों की हकीकत। जनता से विधायक के कार्यकाल के बारे में जनता की मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ लोगों का कहना है कि विधायक क्षेत्र में विकास कार्य हो रहे हैं, तभी लगातार 25 साल से चुफाल विधायक है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि कुछ हिस्सों में ही विधायक का ध्यान है जहां भाजपा का वोट है, शेष ग्रामीण क्षेत्र विकास से अछूते हैं। विधायक ने दावा किया था कि पेयजल की व्यवस्था में सुधार होगा, क्षतिग्रस्त सड़कों में डामरीकरण किया जाएगा, स्टेडियम का निर्माण होगा, पर्यटन की नई संभावनाएं तलाशी जाएंगी। पर्यटन के लिहाज से क्षेत्र को कोई गति नहीं मिली, जबकि सड़कों का बुरा हाल है। आलम यह है कि क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विधायक सरकार से नाराजगी भी जता चुके हैं। हालांकि उनके नाराज होने के बाद उनको ही कैबिनेट मंत्री पद से नवाज दिया गया। अब देखना है कि मंत्री बनने के बाद क्षेत्र में विकास को किस तरह से गति देते हैं, जबकि उनके पास समय बेहद कम है। क्षेत्र की समस्याएं। अस्पतालों में डॉक्टर का अभाव, खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए स्टेडियम की कमी, क्षतिग्रस्त सड़कें, पर्यटन व्यवस्था में ना के बराबर हुआ सुधार, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। हमारे संवाददाता ने क्षेत्र के कई हिस्सों में जाकर स्थानीय लोगों से विधायक बिशन सिंह के कार्यकाल के बारे में जानकारी ली। आप भी सुनिए क्या कहना है जनता का। इसको ना पार्किंग की थोड़ी दिक्कतें आती हैं यहाँ, कुछ भी रोड के किनारे पे लगे आते हैं तो पुलिस वाले बोलते हैं कि और जाम वाम लग जाता है इस टाइप से। तो कुछ टाइप से अगर हमारा कुछ इस साइड के और जैसे कि मंडे इस साइड लग जाए, क्योंकि इस जाए थोड़ी गाड़ियाँ हट जाए पार्किंग हो सकता है। और जैसे कि हमारे यहाँ कुछ और रहने वहने की चीज़ें भी नहीं है, जैसे कि कुछ होटल्स हैं बस, लेकिन कोई लोग होटल नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए मतलब कुछ इस धर्मशाला इस टाइप का हम बना सकते हैं। और आपके क्षेत्र में विकास कार्य नहीं होता तो 25 साल से पूरी लगातार हर जगह गाँव में आज कल रोड है, स्कूल है, लाइट है, पानी है, कोई भाई गाड़ी भाई उन्होंने पैसे भी जगह नहीं है इस बार के पैदल जाने लायक कहीं है नहीं, सब डोर टू डोर जाना पड़ रहा है गाड़ियों से। क्षेत्र का और आपके क्षेत्र की विधायक जी का नाम बताओ। हमारे क्षेत्र के विधायक जी हमारे माननीय श्री बिशन सिंह चुफाल जी, सर इनके जनसंपर्क की बात करते हैं कि जनता के बीच में आते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनको मिलते हैं सर। जनता पूरी विधायक जी के साथ है, आज भी वो
आपको बताएं कि वो जैसे देहरादून रहते हैं, उधर रहते हैं, तो अपनी क्षेत्र की चिंता सबसे ज़्यादा करते हैं, लोगों की चिंता ज़्यादा करते हैं क्षेत्र की। तो जनता में तो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय वही हैं, वो पूर्ण हरी बहुमत से जीते आए। क्षेत्र के माननीय बिशन सिंह चौहान है सर, इनके जनसंपर्क की बात करते हैं कि जनता के बीच में आते हैं, लोगों से मिलते जुलते आते ही हैं कभी कभी, अब क्या कह सकते हैं, तो जनता के वोट की बात है। सर आम आदमी पार्टी भी पहली बार चुनाव लड़ रही है 70 सीटों पर, इसका लड़ रही होगी, इसका क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है? मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा, खाद्यान्न सामग्री जो है सस्ता होना चाहिए सरकार की तरफ से ना, जो चीजें घरेलू यूज होती है सस्ता होना चाहिए है सब। विकास का देखे तो अगर देखा जाए तो अगर इनके गांव की सड़कों को देखा जाए तो सड़कों का हाल तो ऐसे ही है, अभी डामरीकरण भी वहां पर नहीं हो रखा है, और जो अपने क्या कहते हैं गांव का ही विकास नहीं कर पाया तो जनता का क्या विकास करेगा। क्षेत्र में कुछ लोग डीडीहाट के जिले ना बन पाने के कारण मौजूदा विधायक से नाराज हैं। अस्पतालों में भी डॉक्टर की कमी होना जनता के लिए एक बड़ी परेशानी का कारण है। जनता की माने तो क्षेत्र में अस्पताल नहीं रेफर सेंटर है। कुछ लोगों का तो ये तक कहना है कि अपने ही गांव को विधायक सड़कें नहीं दे पाए तो क्षेत्र का विकास क्या होगा। कई लोगों का समर्थन बिशन सिंह के पूर्व प्रतिद्वंदी किशन भंडारी की तरफ भी देखने को मिला। आम आदमी पार्टी को लेकर भी कुछ लोगों का रुझान देखने को मिला है। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल के समर्थक भी क्षेत्र में दम भरते नजर आ रहे हैं। आगामी 2022 चुनाव में क्या परिणाम देखने को मिलता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन मौजूदा विधायक के लिए इस सीट पर कांटे की टक्कर मिलती दिख रही है। जन सर्वेक्षण के आधार पर विधायक बिशन सिंह चौहान का रिपोर्ट कार्ड असल कहानी कह रहा है। लगातार 25 साल विधायक चुने जाने के कारण लोकप्रियता के आधार पर इन्हें ए ग्रेड दिया जाता है, वहीं जन लोकप्रियता के आधार पर ग्रेड ए, जन विकास कार्य सी, जन संवाद बी, जन नेतृत्व बी, ओवरऑल ग्रेड बी। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए देवभूमि इनसाइडर।